हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ये सिंगल कलर का लेडीज कार्डिगन का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन आप लेडीज कार्डिगन में, गर्ल्स जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं। ये देखो, ये डिजाइन जैसे मैं शुरू कर रही हूँ सेम ऐसे ही शुरू करना है, अदरवाइज आपके फंदे या घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। सबसे शुरू में हमें एक फंदा सिंपल बुनना है। ये हमने एक फंदा बुन लिया है। ये देखिए, हमने एक फंदा बुन लिया है। अब हम एक धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम एक जाली, ये एक जाली हम डाल लेंगे। ये हमने यहाँ एक जाली डाली है। अब हम फिर से धागा आगे करेंगे और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन और एक चार। ये हमने जाली के बाद चार फंदे बुन लिए हैं। अब हम एक, दो और तीन, तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ऐसे सिंपल उल्टा। फिर से हम चार उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार। आप चाहे तो ये फंदे बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने चार इधर बुने हैं, लेकिन दोनों साइड बराबर बुनना। आप ये फंदे तीन या पांच भी कर सकते हैं, जैसे तीन इधर, पांच इधर, पांच इधर। ठीक है, मैंने चार फंदे बुन लिए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब हम एक सिंपल सीधा फंदा बुनेंगे। अब हम ये हमारा ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये और ये। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ हमें ये हमें दो जाली डालनी है लगातार। एक, फिर धागा आगे किया, एक और। ये हमने यहाँ दो जाली डाली। फिर से हम चार फंदे बुनेंगे। ये देखिए, हम फिर से चार फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन और एक चार। अब हम ध्यान दीजिएगा कि हमारे कितने फंदे बढ़े हैं। एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ा था जाली से और एक यहाँ बढ़ा था इधर। इधर हमारा कहाँ बढ़ा है? यहाँ। ये हमारे दो फंदे बढ़े थे और इनमें हमने यहाँ पर ये तीन का एक किया है। इट मीन्स ये हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यहाँ हमने दो घटा दिए हैं, एक इधर और एक इधर बढ़ा लिया है। अब हमने इधर एक फंदा और बढ़ाया था क्योंकि दो जाली डाली थी। ये एक फंदा बढ़ गया है। इसका हमें लास्ट में या तो हमें यहाँ पर दो का एक आना चाहिए हमारा, ऐसे। अब हम लास्ट में दो का एक कर लेते हैं ऐसे। या तो हमारा लास्ट में दो का एक आना चाहिए, बाकी जितने फंदे हैं वो हम उल्टे बुन सकते हैं। या तो लास्ट में हमारा दो का एक आना चाहिए या लास्ट में हमारा एक जाली आनी चाहिए, ये वाली जो यहाँ डलती है, तब हमारा ये हिसाब सही बनेगा। अदरवाइज हमारा स्वेटर फंदे बढ़ जाएंगे, उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। ये देखिए, हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो में आ गए हैं। शुरू में इस बार हम एक की जगह दो फंदे बुनेंगे। एक और एक, दो। ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर ये वाले फंदे बढ़ते जा रहे हैं और ये फंदे घटते जा रहे हैं। ये हमने दो बन गए हैं। अब हम धागा आगे करेंगे और दो के बाद यहाँ पर एक जाली ऐसे बनाएंगे, ये। अब हमने पहले हमने चार उल्टे किए थे, इस बार हम तीन उल्टे करेंगे। एक, दो और एक तीन। अब हम फिर वही तीन का एक बनाएंगे। एक, दो, तीन। ये हमने तीन का एक बनाया। अब हम तीन फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन। धागा पीछे करके सिंपल सीधा फंदा बुनेंगे ताकि ये जो हमारी ये वाली एक आउटलाइन आ रही है ये साफ चमके। ये अब हम धागा आगे करेंगे और एक जाली बनाएंगे। अब हम इसे गिनते हुए तीन फंदे प्लेन बुनेंगे। एक, दो और एक तीन। ये आपको क्लियर हो जाएगा। धागा आगे करेंगे और एक जाली
और बनाएंगे। ये हमारी दूसरी बुनाई शुरू हो गई है। जैसे ये एक कंप्लीट हुई, अब हमारी ये दूसरी बुनाई शुरू हो गई है। ये हमने बुन लिया, अब हम फिर से तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन। अगर हमारी बुनाई ऐसे आधे में पूरी होती है तो लास्ट में हम दो का एक करते हैं, क्योंकि हमारे फंदे कम है। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लास्ट में हमारा यहाँ ये पूरा यहाँ बुनाई पे कंप्लीट हो रहा था, या तो लास्ट में हम यहाँ होने चाहिए। अगर हम इस जगह लास्ट होता है हमारा तो दो का एक होगा, और अगर इस जगह लास्ट होता है तो पूरा बन जाएगा। उल्टी सिलाई अब हमारी प्लेन रहेगी। ये देखिए, ये ऐसे हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर, इस बार हमारे यहाँ पर तीन फंदे सीधे हो जाएंगे, एक दो तीन। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम एक जाली ऐसे डाल लेंगे। अब हम दो फंदे उल्टे करेंगे, एक दो। यहाँ हम तीन का एक करेंगे ऐसे, ये हमने तीन का एक किया, फिर दो उल्टे। अब हम एक फंदा सीधा बनेंगे, सिंपल। अब हम धागा आगे करके यहाँ जाली बनाएंगे ये, और ये पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार और एक पांच। ये हमारे पांच फंदे हो गए हैं। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट में हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, ऐसे उल्टी सिलाई प्लेन रहेगी। ये देखिए, इस तरह ये हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब इस बार हम चार फंदे प्लेन करेंगे, एक दो तीन और एक चार। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस बार हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे ये, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर से हम एक उल्टा बुनेंगे और एक फंदा ये वाला हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम एक जाली ऐसे एक जाली डालेंगे। इस बार हम बीच में सात फंदे प्लेन बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः और एक सात। फिर धागा आगे किया और हमने एक जाली ऐसे डाल ली, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, दो का एक करेंगे लास्ट में और ये वाला प्लेन। उल्टी सिलाई अब हमारी फिर से प्लेन रहेगी। ये देखिए, हमारी नेक्स्ट रो आ गई है। इस बार हम पांच फंदे प्लेन करेंगे, ये हम पांच फंदे प्लेन कर लेते हैं, एक दो तीन चार और एक पांच। धागा आगे करेंगे और यहाँ हम एक जाली ऐसे डाल लेंगे सीधे फंदे से, फिर धागा आगे किया और तीन का एक किया ये वाला, ये हमने तीन का एक किया। धागा पीछे किया और यहाँ पर हमने ये ऐसे सीधा बुना, ये देखो ऐसे ये हमारा बन गया है। फिर हमने धागा आगे किया और यहाँ पर हमने एक जाली डाल ली। इस बार हम नौ फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। अब हम धागा आगे करेंगे और ऐसे एक जाली डालेंगे। इस बार हम एकदम दो का एक करेंगे, ये फंदा प्लेन रहेगा, उल्टी सिलाई हमारी एकदम प्लेन रहेगी। ये देखिए ऐसे, एक बार और अभी होएगा। इस बार हम ये सिक्स फंदे बुनेंगे।
हर बार हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। एक दो तीन चार पांच और एक छह। अब हम धागा आगे करेंगे और ये एक दो तीन, तीनों फंदों को ऐसे ऐसे एक बनाते हुए जाली बनाएंगे ऐसे। ये हमारे तीनों को एक बनाते हुए जाली बना ली है। फिर से धागा आगे करेंगे और यहां पर हम एक जाली और बनाएंगे ये। अब हम यहां पर 11 फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम लास्ट में दो का एक करेंगे ये। और ये वाला फंदा हमारा उल्टा रहेगा। ऐसे हमारी ये एक बुनाई कंप्लीट हो गई है, उल्टी सिलाई हमारी प्लेन रहेगी। ये देखिए, ये हमारी बुनाई ऐसे कंप्लीट हो गई है। ये देखो, बस आपको ध्यान रखना है शुरू इसी फंदे से करनी है और लास्ट में आपका अगर आधी बुनाई में फंदे खत्म हो रहे हैं लास्ट में तो दो का एक करना, और पूरी बुनाई पे खत्म हो रहे हैं तो पूरी बुनाई करना। अब हम नेक्स्ट बुनाई शुरू करते हैं। मैं आपको अगली बुनाई शुरू करना बता देती हूँ ऐसे, बाकी आप कर लेना। ये धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे जो हमने फर्स्ट सिलाई की थी, एक फंदा प्लेन एक जाली। अब हम फिर से चार उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे हो गए। अब एक दो तीन, ये हमने तीन का एक किया, फिर से चार उल्टे, एक दो तीन चार। और यहां पर हम पहले एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ये वाला। अब हम यहाँ पर दो जाली डालेंगे, एक और एक दो। अब हम चार उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार ये हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम चार उल्टे बुनने के बाद दो दो का एक करेंगे लास्ट में ये ऐसे, और ये फंदा हमारा उल्टा रहेगा सेम जैसे कि हमने फर्स्ट सिलाई की थी। और ऐसे ही अब हमारी ये चार की जगह तीन दो एक ऐसे होते जाएंगे। ये देखिए सेम ऐसा डिजाइन बन गया है, कितना प्यारा डिजाइन बना है। आप इसे किसी भी कार्डिगन में, गर्ल्स टॉप में, बेबी स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्डिगन मैंने, ये देखो ये कार्डिगन मैंने एक यंग लेडी के लिए बनाया है जिनको एक्सल साइज आता है। नीचे मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल बॉर्डर बनाया है। इसमें यहाँ पर मैंने 100 फंदे डाले हैं और ऊपर यहाँ पर मैंने 115 फंदे किए हैं। फ्रंट के दोनों पीस में मैंने 55 और 55 फंदे डाले हैं और इसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ मैंने इसमें यहाँ पर 64 और 64 फंदे किए हैं। ऐसे आप ये कार्डिगन बना सकती हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।